हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेड्डी मादी। आज मैं बना रहा हूँ मोदक मैंगो फ्लेवर। उसके लिए मैंने ये आपको बाहर से मिल जाएंगे मोदक के बोल्ट्स, अदरवाइज प्लास्टिक का बना बनाया बोल्ट भी आता है वो यूज़ करने आप। मैंने थोड़ा सा मैंगो क्रशर ले लिया है, येलो कलर लिया है और मैंगो एसेंस लिया है। चॉकलेट मेल्ट कर रखी है मैंने, वाइट कंपाउंड आप मोल्ड की बाहर से मार्केट से ले सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल आप वाइट अगर डेयरी मिल्क की होती है तो रेड ले सकते हो, उसको मेल्ट कर लो, बहुत ईजी सिंपल है। ये जो चॉकलेट मेल्ट कर रखी है इसमें हम दो तीन ड्रॉप्स एसेंस के डालेंगे और थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे। इसका येलो कलर आ जाएगा। येलो कलर हो गया हमारा। मैं चॉकलेट मोल्ड लूंगा जो मोदक वाला है, इसमें थोड़ा सा फिल करूंगा। जो मैंने मैंगो क्रशर लिया हुआ है, मैंगो क्रशर इसके अंदर डाल दूंगा थोड़ा सा। फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ऊपर हम मैंगो क्रशर डालने के बाद फिर दोबारा ये मिक्सर डाल देंगे चॉकलेट का। ठीक है, एक हमने इसमें मोदक में बना लिया, अब एक मैं प्लास्टिक मोल्ड में बना रहा हूँ। ये भी मोदक की शेप में ही है। और इस पर करने से पहले मैं थोड़ी सी डेकोरेशन की जो गार्निशिंग होती है वो ले रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ पहले, फिर डालूंगा वाइट चॉकलेट ना जो मैंगो हमने कलर मिक्स कर रखा है। इसके बाद हम मैंगो क्रशर डालेंगे इसमें। डालने के बाद हम उसको ऊपर से ढक देंगे, कवर कर देंगे चॉकलेट को और मोल्ड को टैप करके एक बारी वो कर देंगे। ये भी हमारा डिज़ाइन हो गया मोदक का प्लास्टिक के उसमें। अब इसको 5 से 7 मिनट सूखने देते हैं। तो गाइस ये थे हमारे मैंगो फ्लेवर मोदक। ये जो मैंगो क्रश डाला है देखो साइड से कितना अच्छा सा लग रहा है। ये मोदक का मोल्ड में बनाया है और ये नॉर्मल प्लास्टिक के मोल्ड में बनाया है। अच्छा लग रहा है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।